डियर ऑडियंस, यह वीडियो केवल और केवल नॉलेज पर्पस के लिए और एजुकेशन पर्पस से बनाया गया है, यह कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हेलो गाइज, मेरा नाम है शुभम कुमार और आप देख रहे हैं एसपी स्टॉक मार्केट। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक। तो हमें पैसा अपना स्टॉक में लगाना चाहिए, हमें पैसा म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए, हम इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, हम सबसे पहले देखते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है और उसमें हमें पैसा क्यों लगाना चाहिए, पैसा हमारा लगाना सही है या नहीं है। तो देखिए गाइज, म्यूचुअल फंड क्या होता है कि वहां पे अगर आप म्यूचुअल फंड में अपना एसआईपी लगा देते हैं, मतलब मंथली एसआईपी बांध देते हैं, या आप उसमें वन टाइम पैसा लगा देते हैं, वन टाइम अमाउंट लगा देते हैं, तो उसमें आपका पैसा मैनेज करने के लिए बड़े बड़े फंड मैनेजर बैठे रहते हैं। जी हाँ, वहां पे ना बड़े बड़े फंड मैनेजर रहते हैं जिनका काम ही यही है कि वो अपने आप जो भी आप एसआईपी लगा रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, आपके पैसे को मैनेज करके स्टॉक खरीद सके या स्टॉक में आपका पैसा लगा सके। उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक रहते हैं, मतलब एयूएम रहता है उनका, अंडर मैनेजमेंट, अंडर एसेट मैनेजमेंट सॉरी। तो उसके हिसाब से उसमें वो अभी पूरा पैसा, उनके पास काफी सारी कंपनियां रहती हैं जिनमें वो पैसा आपका इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन आप अकेले नहीं, मतलब जो लोग पैसा म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो वो आपका पैसा एक ऐसे स्टॉक खरीद लेते हैं और उसमें लगा देते हैं। वो अच्छे से एनालिसिस करते हैं क्योंकि उनका काम ही यही है एनालिसिस करके वो कंपनियों में पैसा लगाना, उनके शेयर खरीदना। तो गाइज, इसमें म्यूचुअल फंड में यही होता है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, पॉइंट ये है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको एनालिसिस करना नहीं आता है ठीक से, या आप अच्छे से एनालिसिस नहीं कर सकते, या आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप एनालिसिस करें, तो आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए। उसमें आपको 12-15% का रिटर्न डेफिनेटली मिल ही जाता है, ये डेफिनेटली मिल ही जाता है, लेकिन ये गारंटी नहीं है। अगर ये डिपेंड करता है मार्केट के फ्लक्चुएशन पे कि मार्केट में कैसा फ्लक्चुएशन का चल रहा है या उसका मार्केट का भी बिहेव कैसा चल रहा है। शॉर्ट टर्म में आपको मैं गारंटी नहीं देता या मैं कुछ ऐसा नहीं बोलता कि आपको पैसा बनेगा ही बनेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में 99.9% चांसेस है कि आपका पैसा बनेगा ही। और म्यूचुअल फंड में या स्टॉक में जब भी पैसा लगाते हैं तो बस ये सोच के लगाइए कि अब हमने ये पैसा डाल दिया है, अपना गोल सेट कीजिए कि हमें आने वाले 8 साल में या 10 साल में इन पैसों की जरूरत पड़ने वाली है, या कितने पैसों की जरूरत पड़ने वाली है आने वाले 8-10 साल में, और उस हिसाब से कैलकुलेशन करके आप अपने पैसे को मंथली या उसमें वन टाइम अमाउंट लगा दीजिए। फिर लगा के आपका, आपको ऐसा नहीं है कि हर मंथ देख चेक करना पड़ेगा या हर साल आपको चेक करना पड़ेगा, आपके पैसे को वो अच्छे से अपने आप मैनेज करते हैं। बस आप जब आपको पैसा निकालना हो तो एग्जिट लोड और इन लोड उसमें लगता है कुछ परसेंट का, जिसमें आपका चार्जेस लगते हैं, अदरवाइज कुछ उनके ऐसे चार्जेस नहीं होते। बस इन लोड और एग्जिट लोड आपको चेक करना पड़ेगा कि कितना है, ये सब चीजें चेक करके ही उसमें पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा। उनका देखिएगा कि उनका जो रिटर्न है वो लास्ट 4 साल में 5 साल में कितना है, 1-2 साल का रिटर्न मत देखिएगा। क्यों नहीं देखना है वो मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा, लेकिन जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो देखिएगा कि लास्ट 5-6 सालों में या ऑल टाइम उन्होंने अभी तक कितने का रिटर्न दिया है, कितने परसेंट का रिटर्न दिया है। तो म्यूचुअल फंड में पैसा उन लोगों को लगाना चाहिए जिन जो चाहते हैं कि हमें कुछ ना करना पड़े, हमें खाली हमें एनालिसिस नहीं कर सकते या हमारे पास एनालिसिस करने के लिए उतना टाइम नहीं है, हमें हमारे पैसे पे 12-15% का अगर रिटर्न मिल रहा है तो हमारे पास हमारा हमारे लिए ओके है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब आती है स्टॉक की बात। अगर गाइज आपको स्टॉक में पैसा लगाना है ना, तो आपको खुद से एनालिसिस करना पड़ेगा। मींस अगर, या हम कह सकते हैं कि अगर आप खुद से एनालिसिस कर सकते हैं तो स्टॉक में पैसा लगाइए। आपको पता है कि मार्केट क्या होता है, मार्केट को रीड कैसे करते हैं, मार्केट को एनालिसिस कैसे करते हैं, फंडामेंटल्स कैसे रीड करते हैं कंपनी के। तो अगर इन सब चीजों की नॉलेज आपको है और आप एनालिसिस कर सकते हैं तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप अपना पैसा स्टॉक में लगाइए, क्योंकि स्टॉक में चांसेस रहते हैं कि आपको 20-25% तक का रिटर्न मिल सकता है अगर आपने कोई अच्छी कंपनी और चूज की है और अच्छे से उसके फंडामेंटल्स को आपने रीड किया है। तो आपको डेफिनेटली मैं फिर बोलना चाहूंगा कि आप खुद से एनालिसिस कर रहे हैं, अच्छे से एनालिसिस करेंगे, वो डिपेंड करता है कि मार्केट का फ्लक्चुएशन कैसा है,
तो ही आपको रिटर्न मिल सकते हैं। मैं कोई ऐसा इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ कि आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, वो डिपेंड करता है मार्केट के फ्लक्चुएशन पे और कंपनी के ऊपर कि कंपनी कैसी है और मार्केट का उस टाइम पे फ्लक्चुएशन कैसा है। बट इन द लॉन्ग टर्म आपको उसमें डेफिनेटली प्रॉफिट ही होगा। 99% के चांसेस हैं कि स्टॉक में लॉन्ग टर्म में अगर आपने पैसा लगाया है तो आपको पैसा बढ़ के ही मिलेगा, आपका पैसा डूबेगा नहीं, और चांसेस रहते हैं कि आपको उसमें 20 से 25% का रिटर्न मिल सकता है। गारंटी नहीं है लेकिन 20 से 25% का रिटर्न निकल सकता है अगर आपने कंपनी अच्छी चूज की है, फंडामेंटल अच्छे से पढ़े हैं और कंपनी का पास्ट अच्छे से देख लिया है और उसके विजन क्या है, आगे के गोल क्या है कंपनी के, कंपनी आने वाले 5 से 6 सालों में अपने आप को कहां देख रही है। तो ये सब चीजें अगर आपने अच्छे से रीड की या कर सकते हैं तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अपना पैसा स्टॉक में लगाइए। स्टॉक में ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आप पैसे को अपने 20 से 25% का अपने पैसे पे रिटर्न पा सकते हैं। और सबसे मेन बात यह रहती है कि आप अपने पैसे को खुद से मैनेज करते हैं। जी हाँ, आप अपने पैसे को खुद से मैनेज करते हैं, जब आपको जरूरत लगे तब आप निकाल सकते हैं। निकाल आप उससे भी सकते हैं, म्यूचुअल फंड से भी, लेकिन उसमें आपका अगर मेच्योर नहीं हुआ है वो, तो जो आपका एग्जिट लोड है वो थोड़ा ज्यादा लगता है। तो इसीलिए और स्टॉक में ऐसा कुछ भी नहीं रहता, आपको जो डीपी के चार्जेस हैं वो देने पड़ते हैं और आपका पैसा विड्रॉल हो जाता है, आपके शेयर जो भी है सेल हो जाते हैं और आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। तो अभी मैंने आपको म्यूचुअल फंड के बारे में भी बता दिया है और स्टॉक के बारे में भी बताया है, तो जो भी आपको बेटर लगता है उसमें आप पैसा लगाइए। अगर एनालिसिस थोड़ा भी कर सकते हैं, आपको नॉलेज है कंपनियों के बारे में, मार्केट के बारे में, उनके फंडामेंटल्स रीड कैसे करते हैं, ये सब अगर आपको नॉलेज है तो आप स्टॉक में पैसा लगाइए। अगर आप खुद से एनालिसिस नहीं करना चाहते हैं या खुद से एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो आप अपने पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए, SIP बांध दीजिए, हर महीने आपका पैसा आपके अकाउंट से डिडक्ट होता रहेगा और म्यूचुअल फंड आपका जो पैसा है म्यूचुअल फंड में लग जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और फिर से मिलते हैं किसी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ में। थैंक यू दोस्तों।